फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म
में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वू ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वू ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वू ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क
और पर हार्वर्ड में। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज।
इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें एक बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए
फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 million की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 million की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन
ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की
ग्यारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक
वर्ग ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने
कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन
साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है
जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने।
इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस
फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए
फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवेल ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ग ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ग ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ग ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा,
निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है, यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की
ग्यारहवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 million की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 million की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 million का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक
बॉर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए और साउंड इफेक्ट्स जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है।
इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन
थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वू ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वू ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको
वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का।
फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है, या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेसो 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म
में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हार्वर्ड। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हार्वर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियरे ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जोन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क
और पर हार्बर। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वू ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर में, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई $245 मिलियन की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 में की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलीवुड ने। इसका कुल बजट रहा था $80 मिलियन का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस
इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज, इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन वो ने दिखाया है। इस फिल्म ने कुल कमाई 245 मिलियन डॉलर्स की करी थी पूरे विश्व भर, जो कि 1997 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसकी वजह से साथ ही नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड के लिए फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको दिया था मार्क और पर हॉलवर्ड ने। इसका कुल बजट रहा था 80 मिलियन डॉलर्स का। फेस ऑफ 1997 में आई हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जॉन वू ने, लिखा है माइक वर्ब ने, साथ में माइकल कोलियर ने। इसमें जो स्टार्स हैं वो है जॉन ट्रेवोल्टा, निकोलस केज। इस फिल्म की बहुत खास बात है। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म में से सबसे पहली या पहली ऐसी फिल्म है जिसको वो ने डायरेक्ट किया है या जिसमें बड़ा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन